महाराष्ट्र में फिर बजेगा इंडिया गठबंधन का डंका। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की तिकड़ी होगी फेल। एक सर्वे में हो गया बड़ा खुलासा। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल जल्द ही बजने वाला है। इसके मद्देनजर सभी दलों ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। इस बीच लोकपोल सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। सत्ताधारी महायुति गठबंधन को लोकसभा चुनाव की तरह महाराष्ट्र विधानसभा में भी बड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। लोकसभा में मिशन 45 का लक्ष्य लेकर चुनाव लड़ने उतरी महायुति महज 17 सीटों पर सिमट गई, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने 48 में से 41 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार मतदाताओं ने तगड़ा झटका दिया है। अब विधानसभा में भी वही दोहराए जाने की संभावना है। आपको बताते चले, महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 145 सीटें चाहिए। लोकपोल के सर्वे के मुताबिक विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी एमवीए को 141 से 154 सीटें मिलने का अनुमान है। एमवीए को 41 से 44 फीसदी वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को 115 से 128 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे में महायुति को 38 से 41 फीसदी वोट मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि अन्य दलों यानी निर्दलीयों को भी 5 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है। उनके खाते में 15 से 18 फीसदी वोट जा सकते हैं। वहीं ठाणे कोकण बेल्ट की बात करें तो सर्वे में यह महायुति को महाविकास आघाड़ी से आगे रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं खानदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टक्कर होने की भविष्यवाणी की गई है। विदर्भ, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में महाविकास आघाड़ी का दबदबा रहने की संभावना है। लोकपोल के सर्वे के अनुसार विदर्भ में महायुति को सिर्फ 15 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार 40 से 45 सीटें जीत सकते हैं। खानदेश में महायुति और महाविकास आघाड़ी को 20 से 25 सीटें हर एक को मिल सकती है। ठाणे कोकण बेल्ट में महायुति को 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन को सिर्फ 5 से 10 सीट मिलने की संभावना है। वहीं मुंबई में महाविकास आघाड़ी लोकसभा की तरह फिर बाजी मार सकती है और यहां 20 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महायुति 10 से 15 सीटों पर रुक सकती है। पश्चिमी महाराष्ट्र में भी सत्तारूढ़ गठबंधन को झटका लगने की भविष्यवाणी सर्वे में की गई है। महायुति को 20 से 25 सीटें और महाविकास आघाड़ी को 30 से 35 सीटों पर सफलता मिलने की संभावना है। वहीं मराठवाड़ा में महायुति को 15 से 20 सीटें और महाविकास आघाड़ी को 25 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। मालूम हो कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है, जबकि विपक्षी एमवीए गठबंधन में कांग्रेस, एनसीपी शरद चंद्र पवार और शिवसेना उद्धव गुट है। एमबीए के तीनों दल इंडिया गठबंधन के भी घटक हैं। एक बात तो साफ है कि लोकपोल के सर्वे ने सत्तारूढ़ गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है और एमबीए का मनोबल भी बढ़ा है। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।